अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अफोर्डेबल सी फेशियल किट का रिव्यू आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, जो कि आप देख सकते हैं। और ये फुल फेशियल किट है और इसकी पैकेजिंग बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, एज़ यू कैन सी। सो अगर आप भी कोई फेशियल किट बाय करना चाहते हैं या आपने कोई अपने लिए फेशियल बाय करना है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले इसकी पैकेजिंग की बात की जाए तो इसकी पैकेजिंग, अगर आप लोग भी किसी फेशियल की तलाश में हैं तो ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा, तो आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले इसकी पैकेजिंग की बात की जाए तो ये इस तरह की कार्डबोर्ड की पैकेजिंग में है, और पैकेजिंग इसकी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सी है। और इसके बॉक्स पर सारी इसकी डिटेल्स मैंशन है। ये सिटी गर्ल्ड की वाइटनिंग फेशियल किट है, ऑलिव। एंड इसके हर साइड पे देखें, यहाँ पे इसका बारकोड भी मेंशन है एंड इसकी वेबसाइट भी मेंशन है। एंड ये मेड इन पाकिस्तान है, सिटी का एक पाकिस्तानी कंपनी है कॉस्मेटिक्स की। एंड यहाँ पे इस फेशियल के बारे में सारा कुछ लिखा हुआ है, जो जो भी ये क्लेम करते हैं कि ये पिगमेंटेशन को रिड्यूस करता है। एंड अगर आप इसको रेगुलरली यूज़ करते हैं, बाकी इसके नेचुरल इन्ग्रीडियंट्स हैं, और ये डीप क्लीन कर देता है स्किन को, और इरिटेशन ये क्लेम करते हैं कि इससे इरिटेशन नहीं होती। बाकी जो मेरा है इसके साथ जो एक्सपीरियंस रहा है, मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी। एंड ये ऑयल को कंट्रोल करता है, मॉइस्चराइजर, हाइड्रेशन, स्किन स्किन को हाइड्रेट रखता है एंड डलनेस को रिड्यूस करता है। और देर तक इसका जो है ना स्टनिंग ग्लो स्किन पे जो है, देर तक जो है वो ग्लो स्टन रहता है। इसके अलावा ये लॉन्ग लास्टिंग इसके इफ़ेक्ट्स हैं, ऐसा ये क्लेम कर रहे हैं। बाकी ये टैन को जो है, सन टैन को भी यानी कि रोकता है। इसके अलावा इसके अंदर नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, और ये मल्टीप्लाई टाइम हम इसको यूज़ कर सकते हैं, यानी कि एक से ज़्यादा दफ़ा, क्योंकि इसकी क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा ये इजी टू रिमूव हो जाता है और जल्दी से ईजीली लग जाता है। इसके बाद इस तरह की इसकी कुछ पैकेजिंग है ओपन करने के बाद। इसको हम ओपन कर लेते हैं और इसमें इस तरह के कुछ जार निकल रहे हैं, और जिस पर ये देखिए नंबर भी मेंशन है, स्टेप 6। बाकी मैं वन बाय वन, 3, 4, 5, 6 जार हैं एंड ये इसका ये निकला है। इस बॉक्स को पहले हम साइड पे रख लेते हैं। अब मैं इन सबको अरेंज कर लेती हूँ और इसके बाद आप लोगों को इसका रिव्यू दूंगी। मैंने इनको लाइन वाइज बिल्कुल सेट कर लिया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ कि इसका जो स्टेप 1 है वो क्या है। सबसे पहले ये सिटी गर्ल का मेरे पास है ब्लीच, और ये कुछ इस तरह की ब्लीच है एंड इसके साथ ये ब्लीच पाउडर भी है। टोटल इसके अंदर से 6 जार्स निकले एंड ये ब्लीच पाउडर निकला है। ये मैंने थोड़ी सी यूज़ की थी, मतलब इसको मैंने इसके साथ मिक्स करके अपने हैंड पे सबसे पहले ट्राई किया था, तो ये मुझे इसका कुछ अच्छा रिज़ल्ट नहीं लगा था ब्लीच का, पर इसलिए मैंने ड्यूरिंग फेशियल इसको यूज़ नहीं किया था। इसकी ब्लीच कुछ ख़ास नहीं है। अगर आप ब्लीच यूज़ करना चाहते हैं तो इस फेशियल के साथ आप कोई और ब्लीच ले सकते हैं। नंबर 2 स्टेप जो इसका था वो था क्लिनजिंग। इसका क्लिनजर काफ़ी ज़्यादा बेस्ट था और काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, और ये मैंने यूज़ किया था। तो ये जो क्लींजर है, मैं इसको ओपन करके आपको दिखा देती हूँ। इस पर वैसे इसका कुछ मेथड भी लिखा हुआ है, लेकिन हमने इसको सिंपली जिस तरह से हम क्लींजर वगैरह यूज़ करते हैं ये हमने वैसे यूज़ करना है। और ये देखें, ये ब्लीच से काफ़ी ज़्यादा कम है, क्योंकि वो मैंने एक दफ़ा ट्राई करने के बाद दोबारा यूज़ नहीं की थी, लेकिन ये वाला फेशियल हमने ट्राई किया हुआ है, काफ़ी दफ़ा मैंने इसको यूज़ किया है, 3 से 4 दफ़ा ये यूज़ हुआ है, और उसके बाद ये हाफ़ हो गई है इसकी क्वान्टिटी, आप जहाँ से चेक कर सकते हैं। तो इसका क्लींजर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और ये स्किन को काफ़ी अच्छे से क्लीन कर देता है, और ये क्लेम करते हैं कि ये हमारी स्किन को डीपली क्लीन करता है। तो ये वाला इसका जो क्लींजर है ये काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है, और इसने स्किन को वाकई में काफ़ी ज़्यादा डीपली क्लीन किया है, और इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है, और टेक्स्चर भी इसका काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट और माइल्ड सा और बहुत अच्छा है। थर्ड इसके स्टेप की बात की जाए तो इस फेशियल का जो थर्ड स्टेप है वो है मसाज क्रीम, और इसकी मसाज क्रीम भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। और इसको फर्स्ट स्टेप हमने, अगर ब्लीच आप करना चाहते हैं कोई और, इसकी ब्लीच मत यूज़ कीजिएगा, कोई और ब्लीच यूज़ करने के बाद आप ये कर सकते क्लींजिंग कर सकते हैं, और उसको रिमूव करने के बाद किसी भी स्पंज के साथ या
फेस वॉश करने के बाद। ये स्किन मसाज क्रीम है और ये भी काफ़ी ज़्यादा माइल्ड सी है, ये भी मैंने उतनी ही टाइम यूज़ की है। और मसाज क्रीम का भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट है। तो इसकी जो ये दो स्टेप हैं ये काफ़ी ज़्यादा बेस्ट हैं। नंबर फोर पे जो हमारे पास आ जाता है वो है स्क्रब। स्क्रब इनका थोड़ा सा हार्श है, लेकिन यह है कि स्किन को एक्सफोलिएट करने के लिए होता है, तो इसको ज़ोर ज़ोर से स्किन पे रब ना किया जाए, क्योंकि ये इसके अंदर आपको नज़र आ रहे होंगे कुछ पार्टिकल्स हैं जो कि स्किन पे जब हम अप्लाई करते हैं तो वो थोड़ा सा स्क्रब चुभता है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही चुभता है और ये थोड़ा हार्श है, और इसको लगाने के बाद स्किन पे जो है ना थोड़ी थोड़ी मुझे जलन सी महसूस हुई थी, लेकिन रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। जब मैंने फेशियल कंप्लीट किया था स्किन काफ़ी ज़्यादा ग्लो किया है, जिस तरह से ये क्लेम कर रहे हैं उस तरह की आधी बातें तो कवर हुई हैं और आधी नहीं। बस इसकी पॉलिश नहीं मुझे अच्छी लगी जो इसकी है ब्लीच। अच्छा, नेक्स्ट पे आ जाती है स्किन पॉलिश। तो इसकी स्किन पॉलिश भी मुझे थोड़ी सी हार्श लगी है, और मैंने ये एक दफ़ा यूज़ की थी, दोबारा मैंने स्किन पॉलिश नहीं यूज़ की। वैसे भी टीन एजर्स वगैरह स्किन पॉलिश ना यूज़ किया करें, और ये उन्हीं के लिए ज़्यादातर होती है। वैसे फेशियल स्टेप में स्किन पॉलिश होती भी नहीं है। स्किन पॉलिश अगर कोई करना चाहता है तो वो क्लिनजिंग करे, स्किन पॉलिश करे एंड मसाज क्रीम करे बस। तो ये स्किन पॉलिश भी इसकी कोई ख़ास नहीं है। ब्लीच एंड स्किन पॉलिश मैंने साइड पे कर दिया, ये दो इसके प्रोडक्ट मुझे अच्छे लगे। लास्ट पे इसका है मास्क। मास्क इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। टोटल इसके 6 स्टेप्स हैं, लेकिन ये मैंने ज़्यादातर ये 4 स्टेप यूज़ किए हैं, 2, 3, 4 एंड 6। तो मास्क इसका थोड़ा सा मतलब बहुत ज़्यादा स्किन को टाइट नहीं करता, जब ये ड्राई होता है अप्लाई करने के बाद स्किन को काफ़ी ज़्यादा ड्राई नहीं करता, लेकिन ये बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही माइल्ड और बहुत ही अच्छा मास्क है। जब हमारी स्किन ड्राई होने लगती है तो ये हमारी स्किन पे थोड़ा थोड़ा सा मतलब टाइट टाइट फील होता है, ज़्यादा जैसे हम मड मास्क करते हैं उस तरह टाइप का नहीं होता, लेकिन वैसे ये मास्क काफ़ी अच्छा है। और इस फेशियल को कंप्लीट करने के बाद काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिले, स्किन काफ़ी ज़्यादा ग्लोइंग हुई थी। बट ये 4 जो इसके प्रोडक्ट हैं इन 4ों का रिजल्ट मुझे अच्छा लगा है। ब्लीच एंड स्किन पॉलिश को मैंने बिल्कुल अपनी फर्स्ट टाइम में चेक किया था और दोबारा मैंने यूज़ नहीं किया था। तो ये 4ों जो प्रोडक्ट हैं ये बहुत ही बेस्ट हैं और ये मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है। अगर आप ये बाय करना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इसके प्राइसेस की अगर बात की जाए तो ये जस्ट 1000 रुपीज़ का आपको मिल जाएगा। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आप भी किसी रीज़नेबल से, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा टाइम, ये 4-5 दफ़ा हमने यूज़ कर लिया और ये मज़ीद 5-6 दफ़ा और अप्रोक्सीमेटली ये तकरीबन जो है ना 10 टाइम यूज़ हो सकता है। तो 10 टाइम अगर एक फेशियल यूज़ होता है और जो कि 1000 रुपीज़ का है, तो ये काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है, क्योंकि हम जस्ट एक फेशियल ही सैलून से लें तो वो हमें 1500-2000 से कम नहीं मिलता। सो ये मेरा रिव्यू था इस फेशियल के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो गिव दिस वीडियो अ ह्यूज थम्स अप एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर मोर डिटेल्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।